हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिस सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 IBS साइबर डिफेंस का MCQ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, साइबर सुरक्षा का परिचय। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सेमेस्टर 2 में IBS साइबर डिफेंस हमें जो पढ़ना है, इसमें टोटल 10 चैप्टर है। इसके पहले मैंने वीडियो नंबर 1 बताया था, वीडियो नंबर 2 बताया था, वीडियो नंबर 3 बताया था, ये मेरा वीडियो नंबर 4 यानी कि वीडियो नंबर 4 है। अगर इसके पहले तीनों वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लो, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसके पिछले वाला जो वीडियो था ना, उसमें मैंने ये बता दिया था कि 1 से 20 तक जो MCQ क्वेश्चन था वो मैंने बताया था, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 20 से लेकर के 50 तक MCQ क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लो, इसमें टोटल 10 चैप्टर है, साइबर डिफेंस में टोटल 10 चैप्टर है। और हम एक चैप्टर का दो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। एक बार 1 से 20 तक MCQ क्वेश्चन, फिर दूसरा बार में 50 तक MCQ क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वीडियो में 20 MCQ क्वेश्चन और फिर सेकंड वीडियो में 30 MCQ क्वेश्चन, इस प्रकार से टोटल 50 MCQ क्वेश्चन हर एक चैप्टर का मैं दूंगा, ठीक है। ये मेरा पहला चैप्टर था साइबर सुरक्षा का परिचय, इसमें मैंने 50 MCQ क्वेश्चन दिया है। इसके पहले 1 से 20 तक मैंने MCQ क्वेश्चन दे दिया है वीडियो नंबर 3 में। ये मेरा वीडियो नंबर 4 है, इसमें हम 21 से 50 तक यानी कि 30 MCQ क्वेश्चन बताने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 साइबर सुरक्षा का परिचय खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएंगे चैप्टर नंबर 2 में, उसमें भी हम आपको दो वीडियो देंगे। पहला वीडियो में 20 MCQ क्वेश्चन रहेगा और दूसरा वीडियो में 30 MCQ क्वेश्चन। फिर इसी प्रकार से आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे और हर एक चैप्टर का दो दो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आपको 50 MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। चलो देखते हैं 21 नंबर क्या है, ठीक है। आपको क्या करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि PDF वगैरह वहीं पर सेंड करता रहेंगे, ठीक है। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर A, B, C, D। बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऑप्शन मुझे कमेंट किए कि सर आप ऑप्शन के बारे में भी बताइए, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो में ऑप्शन नहीं दे रहे थे, डायरेक्ट आंसर बता रहे थे, बट आप लोगों ने कमेंट किया कि ये ऑप्शन भी बताइए, तो मैं ऑप्शन भी बता रहा हूँ, ठीक है। बट मैं ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हम डायरेक्टली आंसर पर बात करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो क्या होता है ये, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर D। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, स्पम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A यानी कि कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा टाइम बम, यानी ऑप्शन नंबर C, टाइम बम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 की ओर। यहाँ पर लिखा गया फायरवॉल का मुख्य काम क्या है, ठीक है, यानी कि फायरवॉल का मुख्य काम है, तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है मॉनिटरिंग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये मॉनिटरिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट हो करता है तो संभावना है कि इसमें से क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ये होगा वायरस है। इसमें अगर आपका कंप्यूटर या तो लैपटॉप अपने आप रिबूट करता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें क्या भरा हुआ, वायरस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, साइबर सुरक्षा किससे सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये जो हमारा साइबर सुरक्षा होती है वो किससे सुरक्षा प्रदान करती है, इसका ऑप्शन नंबर जो है D यानी कि सभी उल्लेखित विकल्प, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी B, B, C, B सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। मेलवेयर के खिलाफ, साइबर आतंकवादियों के खिलाफ और डिवाइस को खतरे से बचाता है, ये तीनों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूँ, तो 27 है, साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो साइबर सुरक्षा के जो जनक के रूप में जाना जाता है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B अगस्त कैर्कहॉफ्स, ठीक है, अगस्त कैर्कहॉफ्स, इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा अगस्त कैर्कहॉफ्स, ठीक है। उसके बाद 28 निम्न में से कौन एक प्रकार की साइबर सुरक्षा है, तो ऑप्शन नंबर D उपरोक्त बताए गए सभी विकल्प, यानी कि बादल सुरक्षा, आवेदक सुरक्षा, बादल सुरक्षा, देखो यहाँ पे डबल आ गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 साइबर स्पेस शब्द किससे गढ़ा था, यानी कि जो साइबर स्पेस शब्द है वो किसने लाया था, ठीक है, तो विलियम गिब्सन ने लाया था, कौन लाया था, विलियम गिब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किसी सिस्टम या नेटवर्क को चोट पहुंचाने या भ्रष्ट करने या धमकी देने का कार्य निम्न में से किस रूप में वर्णित है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा D साइबर हमला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, किस कंपनी या एजेंसी की IT सुरक्षा का प्रबंधन और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा D यानी कि IT सुरक्षा अभियंता। क्वेश्चन नंबर 22,
इनमें से कौन सा एक इंटरनेट धोखाधड़ी है जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा एक उपभोक्ता को व्यक्तिगत डेटा प्रकट करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फिशिंग हमला। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? फिशिंग हमला। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि फिशिंग हमला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। देखो थोड़ा सा इधर ये मिस्टेक हो गया, अच्छा से इसको अरेंजमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, खाली जगह का अर्थ अज्ञात उपयोगकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ से डेटा की सुरक्षा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अखंडता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा की प्रमाणिकता और सुरक्षा किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, एकाधिक संयोजकताओं के लिए एकल प्रवेश द्वारा को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि एकाधिक संयोजकताओं के लिए एकल प्रवेश द्वारा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्देशिका सेवा। क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36, सिस्टम हैकिंग में निम्न में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्रैकिंग पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, साइबर सुरक्षा क्या है? तो साइबर सुरक्षा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उल्लेखित सभी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो साइबर सुरक्षा मेलवेयर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, साइबर सुरक्षा एक सिस्टम को साइबर हमलों को से बचाती है, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, 38, साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है? तो जो साइबर सुरक्षा है वो किसकी रक्षा करती है? तो ऑप्शन नंबर ये यानी कि साइबर सुरक्षा अपराधियों की रक्षा करती है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डेटा रिसाव की संभावना को कम कर सकता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अस्टेगोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षा एनक्रिप्शन मानक है? ठीक है, यानी इनमें से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षा एनक्रिप्शन मानक है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि WEP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हैकर्स के एक समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी दोनों है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रे हैट हैकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 42 का, देखो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, मैं आपको वहीं पे PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे मैं PDF वगैरह सेंड करते रहता हूँ। ठीक है, तो 42 में क्या, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टोर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, IT, यानी कि ID का उपयोग करके लॉगिन करें। ठीक है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 42 इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद 43, निम्नलिखित में से कौन सा कदम साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में पीछा नहीं किया जाता? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि बग्स को ठीक करना। क्वेश्चन नंबर 44, सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी की मौजूदगी को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वैधता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, सरकारों ने देश या राज्य को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अत्यधिक कुशल हैकरों को नियुक्ति किया है, इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहा जाता है? तो यानी कि इस प्रकार से हैकर्स को ऑप्शन नंबर ये यानी कि राष्ट्र या तो फिर राज्य प्रायोजित हैकर्स कहा जाता है। 46, साइबर तकनीकी के क्षेत्र में हैकिंग किस वर्ष व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1917 में ही बन गया था। 47, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, सिस्टम को धीमा बनाता है। 48, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी कि फिशिंग, SQL, इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक। ठीक है, उपरोक्त सभी। 49, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या क्षतिग्रस्त करने या खतरे का कारण बनने का बनने के प्रयास को मोटे तौर पर कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है साइबर हमला, ठीक है। यानी कि किसी भी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या क्षतिग्रस्त करने या खतरे का कारण बनने के प्रयास को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है, साइबर हमला कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया साइबर डिफेंस का, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। फिर चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 चैप्टर है, 100 चैप्टर में हम आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे अपना फीडबैक जरूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।